हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल त्रिपथ अकेडमी। त्रिपथ अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हैं, यूँ तो आप लोग उस चीज़ के बारे में बात करते नहीं हैं, आप लोगों को या हमें बेसिकली किसी की बात नहीं हो रही है। हम क्या करते हैं, हम ट्वेल्थ में थे, साइंस लिए, हमें बताया गया कि जेईई मेंस कोई नाम का एग्ज़ाम होता है, हमने उसका दिया, ठीक है, हो गया। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप में से कितने बच्चे हैं जिन्हें पता है कि ये तो पता होगा कि हाँ भाई जे मेज देखेंगे हम बीटेक करेंगे। क्या बहुत लोग होते हैं जिन्हें नहीं पता होता, इवन मुझे नहीं पता था, ठीक है। तो इसीलिए मैं मान के चलता हूँ होगा आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है ना, ये चीज़ है। अब बात करते हैं हम ये कि आपको पता तो है लेकिन आपने सुना होगा आजकल कि भाई CSE ब्रांच है, CSE या कंप्यूटर साइंस है, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे, कुछ को पता होगा शायद। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि CSE, ECE, मैकेनिकल या बायोटेक्नोलॉजी इन सारे ब्रांच में क्या डिफरेंस है? नहीं पता होगा आप लोगों को बहुत, मतलब कुछ बच्चों को भले ही पता हो क्योंकि भाई उनकी फैमिली बैकग्राउंड में कोई होंगे एजुकेटेड इससे भी, पर ज़्यादातर को नहीं पता होगा। होता है मेरे केस में मुझे नहीं पता था, तो मैं मान के चल रहा हूँ आप लोगों को भी नहीं पता होगा। तो यूँ तो हमारे फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस होता है वो हर एक जगह सेम ही होता है, चाहे आप IITs में हो, NITs में हो, IPU में हो या किसी में भी क्यों ना हो। बस फर्क इस चीज़ का होता है कि जो सब्जेक्ट मान लीजिए हम IPU में जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उसी में से कुछ सब्जेक्ट जो होगा हम किसी और कॉलेज में मान लीजिए हमारे सेकंड सेमेस्टर में आएगा या किसी और सेमेस्टर में आएगा। तो जो आज हम बात करेंगे वो हम GGSIPU यानी कि गुरु गोविंद सिंह इंपल्स यूनिवर्सिटी, होपफुली आप जान गए होंगे, इसके बारे में काफ़ी टाइम से वीडियो बना रहे हैं तो इस चीज़ के बारे में बताना जरूरी नहीं था, ठीक है। चलिए तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, तो पहले हम बात करते हैं। तो आपको पीछे जो होगा यहाँ पे पूरा देख रहे हैं, आपको सारे सारे सिलेबस जो है आपको शो हो रहा है यहाँ पे। अपना क्या, अपना मैथमेटिक्स है, अप्लाइड फिजिक्स है, अप्लाइड केमिस्ट्री है, FOC है जो कि हमारा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटिंग है, सबके यहाँ हम डिटेल्स में बात करेंगे। लेकिन पहले जान लीजिए कौन कौन सा है, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी है, और जो लास्ट है हमारा वो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैन्युफैक्चर करेंगे, कुछ अलग है, जान जाएंगे, ठीक है। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि हम इनके लिए कौन कौन से बुक प्रेफर करेंगे, क्योंकि आप कॉलेज में जाएंगे आपके टीचर्स कुछ अलग बुक बताएंगे, आपके सिलेबस में अलग बुक होगा, लेकिन जो मैं बताऊंगा वही आपको यूज़ करना है। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारा अप्लाइड फिजिक्स है, तो इसके लिए आपको जो बुक उठाना है वो है देवराज सिंह। इसके अलावा किसी और बुक को मत उठाइएगा, जो मैं बता रहा हूँ उसी को करिएगा, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बिलीव मी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट जो है हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स है, इसका जो बुक है वो VP मिश्रा है, आपको सबके साथ सारे बुक दिख रहे होंगे, यहाँ पे दिख रहा है, हमें दिख रहा है। अब जो नेक्स्ट है वो हमारा अप्लाइड केमिस्ट्री है जिसका है सुनीता रतन, ठीक है, ये भी आपको दिख रहा होगा। जो बुक है आपको इसीलिए यहाँ पे हमें दिख रहा है ना, यही बुक उठानी है, भले आपको नाम से याद ना हो लेकिन पिक्चर इसीलिए आपको दिख रहा है पिक्चर, क्योंकि ये पिक्चर से हमें सही से याद होता है हमारे दिमाग में। जो नेक्स्ट है वो हमारा है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटिंग, जिसका आपको राजीव चोपड़ा की बुक उठाना है, इसके अलावा कोई सा बुक मत उठाइएगा आप, ठीक है। जो नेक्स्ट है हमारा वो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, PN राव, यही सारी बुक उठानी है। और जो लास्ट है वो हमारा इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, इसका BL थरेजा एंड AK थरेजा। अब देखिए आप जाएंगे कॉलेज में, लाइब्रेरी में आप जाएंगे, गधों के रेस में, भैंसों के रेस में जो भी है, आप अंदर जाएंगे, बुक्स आपको कवाए की तरह से पड़ा रहता है, लेकिन मान लीजिए भाई आप नए बच्चे हैं, शायद उन्होंने सजा के रखा हो, बट बुक इतनी आसानी से नहीं मिलता है, और ऑब्वियसली बात है हम फर्स्ट टाइम नाम सुन रहे तो हमें याद भी नहीं होता है। तो इन पिक्चर्स को आप ध्यान से देखें, ये सारे पिक्चर्स आप जाइएगा, पिक्चर्स मतलब आपके दिमाग में याद रहेगा कि ऐसा VN दिखाया था, तो उसको आप ढूंढिएगा, वहाँ पे नाम दिखेगा, इन्हीं सारे बुक को उठाना है, तो ये सब समय में आ गया होगा, बुक आपको समय में आ गया। हम नेक्स्ट बात करते हैं अगला, वो ये है कि यहाँ पे आपको बहुत सारे सब में दिख रहा होगा मेन MM करके, तो M फॉर मेन है, ये सब्जेक्ट काफ़ी मेन है, ठीक है, इसमें बैक नहीं लाना है, यूँ तो वैसे ये चार साल बाद की बात है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। वो ये कि अगर आपका मेन सब्जेक्ट में जहाँ M लिखा हुआ है, इन सब्जेक्ट में अगर आपका बैक इस सब्जेक्ट में होता है तो आपको डिग्री प्रोवाइड नहीं करी जाएगी और बाकी में चल जाता है, बट हमें नहीं लाना है क्योंकि आपको कंपनीज के लिए बीटेक आप क्यों कर रहे हो, प्लेसमेंट के लिए ही ना, मतलब उसके लिए क्या घंटा किस फायदा होगा हमें। तो बात करते हैं GGSIPU में मास डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का होता है, तो यहाँ पे आपका एक सेशनल होता है, बस नाम चेंज है, बाकी इसमें होता था ना आपका यूनिट टेस्ट, वैसे 12th से आए 12th में तो ना जाने कितना टेस्ट हो जाता है, तो वही, तो यहाँ पे बस जो सेशनल है वो आपका UT की तरह है, बस का नाम चेंज हो गया है। ये आपका 30 मार्क्स का होता है, 30 नंबर, इसके 50% निकाले जाते हैं यानी 15 मार्क्स प्लस 10 मार्क्स जो होते हैं वो टीचर्स देते हैं। अब 10 में से जो 10 मार्क्स हो गया आपका अटेंडेंस का होगा, असाइनमेंट का होगा, क्लास बिहेवियर का होगा, इन सब का, यानी कि जो इंटरनल है इसके हम इंटरनल का नाम दे देते हैं, 25 में से आपको मिलता है, ये हमारा इंटरनल होता है। जो एंड टर्म एग्जाम होता है जिसका हम नाम देते हैं एक्सटर्नल, वो जो होता है हमारा 75 मार्क्स का होता है। जो अब हमारे थ्योरी के जो सब्जेक्ट है इन सब में 25 इंटरनल और 75 एक्सटर्नल, टोटल 100,
अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल्स के। तो प्रैक्टिकल्स में क्या है, तो प्रैक्टिकल्स में यहाँ पे आपका 40 और 60 का डिस्ट्रीब्यूशन है, 40 मार्क्स इंटरनल, 60 मार्क्स एक्सटर्नल। बस ये दिखाया गया है, पूरा मार्क्स टीचर के हाथ में होता है। तो टीचर सबको पंगे लेने की जरूरत नहीं है, बर्बाद करके रख देंगे। झुके रहो यार, झुकने में क्या दिक्कत है, हनुमान जी इतने बड़े थे वो झुक करके रहे, तो हम क्या ही चीज़ है, अपनी औकात पता होनी चाहिए। तो होपफुली आज समय आ गया होगा, तो इसके लिए रिस्पेक्ट करो। रिस्पेक्ट यार कोई छोटा हो या बड़ा हो ये मतलब नहीं होता है, करना चाहिए। आप कॉलेज में आए हो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़े हो चुके हो, जो आप टीचर आपको पढ़ा रहे हैं आप ऐसे नहीं कितने बच्चों को उन्होंने देखा है। तो ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, मतलब फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर, एक साल में दो सेमेस्टर होगा सारी ये बात आपको पता होगा, नहीं पता तो पता चल गया होगा। यहाँ आपको पहले साल में जाके मेहनत करना है, खूब मेहनत से पढ़ना है। रीज़न है कि देखिए, यूँ तो आप सी एस ब्रांच के पीछे होंगे, लेकिन आपको कोई दूसरा ब्रांच मिला होगा लाइक ECE, MAE या फिर बायोटेक्नोलॉजी, जो सही ब्रांच, तो हो सकता है अभी आप खुश ना हो, क्योंकि इसके पीछे आप रीज़न नहीं जानते कि इस ब्रांच में क्या है। आप बस सुन करके आए हैं कि CSE ब्रांच बहुत अच्छा होता है, तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि अब आप CSE ब्रांच नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। इसके लिए मेन हर एक चीज़ के लिए होता है हार्डवर्क, तो यहाँ पर भी हार्डवर्क है। GGSIPU में अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं लाइक 80% लग रहा होगा कुछ बच्चे को कि ज़्यादा नहीं है, बट बिलीव मी बहुत ज़्यादा है, एस्पेशली इफ़ यू आर इन दी गवर्नमेंट कॉलेज, इट इज़ नॉट ईजी टू गेट 80% मार्क्स। ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा समय के साथ, सब कुछ पता चल जाता है। इसीलिए आप मेहनत करें, तमीज में रहें, क्लासेस लें, असाइनमेंट बनाएं, पहले साल में थोड़ा सा वो करें, इंजॉय करने के लिए आगे टाइम होगा कर सकते हैं, लेकिन पहले साल में आप अच्छे से पढ़ें और अच्छे मार्क्स लाएँ ताकि आपका ब्रांच चेंज हो जाए। आप ब्रांच आप आपके कॉलेज में ही आपका इसी ब्रांच से CSE में हो सकता है, किसी ब्रांच से किसी ब्रांच में हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो आपको हो जाएगा। हाँ, पहले था हमारे GGSIPU में कई कॉलेज अपग्रेडेशन भी था, बट अब ऐसा नहीं होता है। अगर आप कहीं ऐसा सुनते हैं तो ये फेक है, ऐसा अब नहीं होता, इन्होंने मना कर दिया है, तो ये सही समय में आ गया होगा। अब देखो भाई, फर्स्ट ईयर में चाहे कोई सही ब्रांच क्यों ना हो, CSE हो, ECE हो, मैकेनिकल हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, कोई सा भी क्यों ना हो, सबको सेम सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, जो हमारे सब्जेक्ट में डिस्कस किया है यही पढ़ना पड़ता है सबको। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, मेहनत करो और अच्छे मार्क्स लाओ, और अगर आप चाहते हो CSE ब्रांच तो आपको वो मिल सके। तो बस से यार इस वीडियो में इतना काफ़ी है, आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और सबसे ज़्यादा तो कर ही दो यार, है ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आपको नॉलेज मिले। ठीक है, फिर बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे। अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखो और सेफ रहो। ठीक है, कोरोना को हल्के में नहीं लेना है, याद रखें 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सुन रहे हो भाई आजकल, और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये तो आप देख रहे हो कि बाहर के लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, लेकिन लगा लो यार, क्या दिक्कत है। ठीक है, बाहर जा रहे हो लगा लो, तो ठीक है, अपना सावधान रहो बस, और क्या। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय।